फलका थाना क्षेत्र के सोहका दक्षिण पंचायत के वार्ड संख्या 10 फलका बस्ती में रविवार को खाना बनाने के क्रम में आग लग जाने से पंच परिवार का 5 घर जलकर राख हो गया। घटना में करीब 5 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अस्तर उर्फ बबलू के यहां चूल्हे में खाना बनाया जा रहा था कि अचानक आग लग गई और घरों में जलावन होने के कारण आग का रूप विकराल हो गया। आग के लपटे इस तरह भयावह थी कि देखते ही देखते मोहम्मद अंसार, मोहम्मद कबरुल, पूर्व वार्ड सदस्य मोहम्मद वसीम, मोहम्मद नदीम के घर को अपने जद में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि पांचों घरों में से किन्हीं के घरों से कोई सामान नहीं निकल पाया। वहीं आग लगी में कपड़ा, अनाज, गोदरेज, जरूरी कागजात व रोजमर्रा में आने वाली तमाम वस्तुएं जलकर राख हो गया। अग्निशामक वाहन व ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, वरना तेज पछुआ हवा के कारण और भी घर इसकी जद में आ सकता था। वहीं सूचना मिलते ही मुख्य प्रतिनिधि अमित कुमार वत्सल आग लगी स्थल पर पहुंचकर घटना की सूचना अंचलाधिकारी दिवाकर कुमार को दी। अंचलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही पीड़ित परिवार को नियमानुकूल राहत मुहैया कराई जाएगी, जबकि आग लगी के पीड़ितों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पकड़ल रे बैगनी सुनी हमरा आगू मटल रही आग गड़ लगी गल तबे हमरा कहे छे कि आग लगल है तब उड़ी कलिए तो आग तत कम ऊपर भागि गेलै हम कुछ निकाल सकलिए सब चीज हमरा बर्बाद हो गेलै। कितना सामान नुकसान है? पैसा रे 1.5 लाख टका रे जमीन वाला देवे देखलो रही 40-50 भरी जेवर रे घर में बक्सा पेटी कपड़ा लत्ता नाल शादी अभी घर बनल छे 1 लाख टका घर बनाबे में लगलो छे तुरंत अगली सब चीज हमरा बर्बाद हो गेलै। कितने बच्चे आप लोग? बच्चा 6 गो छे। एक भी सामान नहीं निकला? एक भी लकड़ी नहीं निकला, एक भी लकड़ी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? तरन्नुम कातुन। पति का नाम? अंसार अली। कौन सा पंचायत में पड़ता है? पंचायत कौन सा पड़ता है? सोता उतरी। सोता उतरी। कितने नंबर वार्ड में? ये फलका प्रखंड सोता दक्षिण 10 नंबर वार्ड में आग लगी है। कितने घर जल के राख हुए? लमसम 5 घर तो पूरी तरह जल के राख हुए। क्षति कितना की हुई? क्षति तो अब लमसम 2-2.5 लाख का हो ही गया होगा। जान माल की कोई परेशानी? जान माल का तो नुकसानी नहीं हुआ, लेकिन जो है घर का जितना भी सारा सामान था पूरी तरह जल के राख हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था? हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। कितने दमकल आए? पहले तो एक दमकल आए तो हम उसके बाद अभी जब पूरी तरह बुझ गया आग तो दोबारा अभी कुर्सेला से दमकल आए। ग्रामीणों का ज़्यादा सही हो गया आग बुझाने में? हजारों की तादाद में। अपन नाम परिचय दें। मोहम्मद सोहेल आलम, 10 वार्ड का वार्ड सदस्य। सोथा दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 10 में है घटना। जैसे ही हम लोगों को खबर मिला है लोकल स्तर पर, हम लोग जो भी दमकल यहाँ उपलब्ध है वो सेवा दिया गया है। बाकी यहाँ ग्रामीणों का पूरा सहयोग था, हजारों के तादाद में लोग जमा हो गए थे जिससे आग को काबू पा लिया गया है। बट अभी तक सही घटना जो है कैसे हुआ इस जानकारी का अभी तक हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था दी गई थी जी। बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्था मुहैया कराई गई और अभी हम लोग सही जाँच नहीं पता नहीं लग पा रहा है कारण आग लगने का, लेकिन हो सकता है कितने घर जले हुए आग लगा हो।
ये करीब सुबह 8:30 बजे का घटना। कितने घर जले हुए हैं? 5 घर पूरी तरह जल गए। 5 घर। अभी एक और गाड़ी हम लोग यहाँ उपलब्ध नहीं था, जो वो था अभी कुरसेला से भी एक गाड़ी आई है, लेकिन अभी आग पे कंट्रोल कर लिया गया है। ऊपर विभाग को खबर दे दी गई है, परिवार जो क्षति हुए हैं उसकी मुआयना और जांच किया जाएगा। अंचल द्वारा इनको कुछ अंचल द्वारा ही अभी वहाँ से, आज तो संडे का दिन है, बट उनके विभाग में खबर हो गया है, वो अपने आदमी को भेज रहे हैं जाँच के लिए, जो भी होगा। ये थी हमारे संवाददाता चंदन कुमार चौधरी की रिपोर्ट कटिहार बिहार से।